हाँ चलो 1 मिनट। हाँ 5.3। आप लोग अगर मुझे बताओ कि कितना नंबर क्वेश्चन तक हो गया था तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं फिर खुद से खोज लूँगा कहाँ तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 10 से करवाना है ना? तो चलिए एनसीईआरटी किताबें आप लोग खोल लीजिए, क्लास 10th की एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज है आपका। कौन सा है एक्सरसाइज भैया? 5.3। आज ही आपकी 8वीं क्लास है इस चैप्टर की, तो लाइव कौन सा है? ये 8वां है एक्सरसाइज 5.3। इसका नाम है समांतर श्रेणी, ठीक है? क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। देखिए बच्चों, इसमें आपको एक एक क्वेश्चन हल करना है, बहुत ही प्यार से करना है और समझ के चलना है। अगर कोई भी प्रकार का आपका डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट करेंगे, भागम भाग हम लोग नहीं करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे, धीरे धीरे से आराम आराम से। हाँ, और मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूँगा, जो भी बोर्ड के कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड से हैं, तो बच्चा अगर सिस्टम से आप पढ़ोगे तभी कुछ होने वाला है, ठीक है? अगर सिस्टम से नहीं पढ़ोगे तो नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। यानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन सिस्टम से पढ़ना है, कम से कम पढ़ना है, कम से कम पढ़ना है, बस इतना जान लो, ठीक है? हाँ चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं और आगे क्या बात करने वाले हैं, देखिए ध्यान दीजिए ये, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी के पास किताबें हैं ना? किताबें तो हैं, ऐसा तो नहीं किसी के पास किताब नहीं है? ठीक है, ये शेयर करने के चक्कर में मुझे इधर उधर झांकना पड़ता है यार, ये क्लास ना शेयर बिना करे बच्चे जुड़ते नहीं हैं, तो क्या मैं कुछ नहीं करूँगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि A1, A2, A3, ऐसे कह रहा है, दर्शाइए कि A1, A2, A3 .. AN से एक AP बनती है। AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी बनती है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि दर्शाइए कि A1, A2, A3 .. AN से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो नीचे क्या दिया है भैया? दो इक्वेशन दिया है। पहला क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ, AN इक्वल दिया है बेटा 3 + 4N, ठीक है? इसमें एक और दिया है, तो कह रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, एक बार फिर से सुन लीजिए, कह रहा है कि दर्शाइए कि A1, A2, A3 .. AN इस प्रकार परिभाषित है, सॉरी निम्न प्रकार परिभाषित है, दर्शाइए कि A1, A2, A3 .. AN से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है तो इस श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। समझ में आया? देखिए आज हम माफी चाहते हैं आप लोगों से, काहे लिए? क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इसमें। कल हम क्वेश्चन PDF फाइल में टाइप करवाए रहेंगे, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन बगल में दिखा देंगे और तुरंत सोल्यूशन करवा देंगे, ये लिखना उखना नहीं पड़ेगा, इसमें काफ़ी टाइम आपका जाता है, 2-4 मिनट, है ना? हम समझ सकते हैं कि आपको बोर्ड का परीक्षा देना है तो आपका एक भी सेकंड खराब नहीं होना चाहिए,
तो ये जो क्वेश्चन बोलने वाली समस्या है ना, इसको मैं क्वेश्चन साइड में लगा दिया करूंगा, फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन। चलिए, इसमें देखिए हमें करना क्या है। पहले तो हमें एक एपी निकालनी होगी, क्योंकि कह रहा है कि दर्शाइए कि ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन से एक एपी बन रही है। तो वो एपी कहाँ जा रही, बन रही, तो उसी एपी को पहले निकालेंगे ना। आप लोग लिखो नीचे, चाहे लिखना चाहो तो, ऊपर दिए गए समीकरण में, ऊपर दिए गए समीकरण में n के अलग अलग मान रख कर श्रेणी प्राप्त कर लेंगे। ऊपर दिए गए समीकरण में n के अलग अलग मान रख कर एपी प्राप्त कर लेंगे। तो भैया यहाँ पे लिखो, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर इसमें 1 रखोगे भाई तो ए क्या आएगा बाबू, ध्यान देना, ए वन बराबर 3 प्लस 4 इंटू n, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3, और n की जगह पे 1 रखोगे, ध्यान रहे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ये, और प्लस 4। तो कह सकते हो कि ए वन बराबर 7 आया, कितना आया 7। दीपक शर्मा जी, गुड मॉर्निंग दीपक जी, गुड मॉर्निंग। रवि रंजन गुड मॉर्निंग। सुजीत प्रजापति गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। चलो तो 3 प्लस 4 n, ध्यान देना, हमने क्या किया यहाँ पे, अभी ए एन ही रख लो, नहीं डायरेक्ट मान रखो काहे लिए। चलो ठीक है, समझना, यहाँ पर हमने क्या किया, n का मान 2 रखा, ऊपर लिख दीजिए, ये हल हो रहा है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पहले किया, उसके बाद दूसरा यहाँ कर रहा हूँ। तो रखने पर सबको समझ में आ रहा, किसी को कोई समस्या परेशानी मुसीबत तो बताओ, नहीं ना, यानी हम आगे चल सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। आइडियो बिटरेट का कुछ समस्या, ये बोल रहा है बार बार, प्रॉब्लम आइडियो की है मुझे ऐसा लग रहा है यार। चलो तो दो मान रखेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, 3 धन 8, यानी ए टू बराबर हो जाएगा भैया 11, कितना हो जाएगा 11। तो इसी तरह से इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं फटाफट, बिना किसी प्रकार के टेंशन के। अब इसी में 3 भी रख के देख लो, इस तरह से लिख लो, ए बराबर 3 रखने पर, तो ए थ्री बराबर क्या आएगा फाइनल में, जैसे ए वन निकाले हो ए टू निकाले हो, ऐसे आप ए थ्री भी निकाल लोगे, ठीक है। सुजीत प्रजापति जी अभी रुक जाओ, बताएंगे बताएंगे, जिनको नहीं समझ में आई ये बताऊंगा, ध्यान रहे, रुक जाओ 1 मिनट। तो इसी तरह से बेटा ए थ्री निकालोगे, जब इसमें 3 मान रखोगे, कहाँ गया इसमें, तो भाई ये ए थ्री हो जाएगा। n की जगह पे 3 रखोगे, 4 का गुणा 3 में करोगे, 4 3 12 3 15, ये 15 आएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। कृष्णा कुमार जी गुड मॉर्निंग, कृष्णा जी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी जितने भी साथी जुड़े हैं, सुबह सुबह सो के उठ गए, गुड मॉर्निंग, इसमें से ही टॉप करेंगे, देख लेना। जो सुबह 9 बजे सो के उठते हैं ना, एक वो कहा आपने सुना है, पढ़ा है कहीं, कि सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का जो मुहूर्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ऐसे में माना जाता है कि माँ शारदा अपने भक्तों को ज्ञान देने के लिए, विद्या देने के लिए आती हैं, और जो सोता रहता है वो वंचित हो जाता है, ये सुबह उठना चाहिए। जिनको ये नहीं समझ में आया वो फिर से देखें क्वेश्चन, एक बार फिर से सुन लीजिए पूरा। कह रहा कि दर्शाइए कि मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, सुन लो, दर्शाइए कि ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन से एक एपी बनती है, ये दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, एनसीईआरटी किताब है, तो खोल के देखो। दर्शाइए कि ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन से एक एपी बनती है, यदि ए एन नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, नीचे दिए अनुसार परिभाषित है,
नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, मतलब ये नीचे यही दिया है समीकरण, ठीक है। तो आगे पूछ रहा है, नीचे लिखा है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम पंद्रह पदों का योग ज्ञात कीजिए। समझ गए ना, मैं हिलता इसलिए रहता हूं क्योंकि कोई बच्चा अगर नोट कर रहा है, मेरे पीछे कुछ छुपा है तो वो लिख सके, इसलिए मैं एक बार इधर एक बार उधर आता जाता रहता हूं। क्लियर? चलो तो अब कर लेंगे, बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले कह रहा है कि दर्शाइए कि इससे एक एपी बनती है, A1 A2 A3 डॉट 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 से। तो अगर इसे एपी बनती है तो पहले हम उस एपी को तो निकालेंगे ना, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं, बताओ। पहले तो उस एपी को हमें खोजना पड़ेगा ना, वो श्रेणी कौन सी है बन रही है उसे तो हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो हमने क्या किया, इसमें जो ये दिया गया इक्वेशन, इसमें एन के अलग अलग मान रख के एक श्रेणी प्राप्त किया। तो कोई अभी कह रहा था कि इसमें ये समझ में नहीं आया, देखिए समझिए, जब एन का मान 1 रखेंगे भैया तो यहाँ पे एन नीचे है ना, यहाँ पे 1 हो गया और ये बराबर का चिन्ह बराबर हो गया, 3 की जगह पे 3 हो गया, धन और 4 की जगह पे 4 हो गया और एन की जगह पे 1 हो गया, ये गुणा में है। एक चीज यहाँ समझ लो छोटा सा चाचा, ये 4n का मतलब है कि 4 × n, इसका मतलब यही है। n की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो ये 4 ही तो आएगा, बोलो हाँ आएगा कि नहीं आएगा ना। सिद्धार्थ कुशवाहा जी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और टाइम याद रखें बाबू, सुबह 5 बजे क्लास चलती है। अगर आपको कोई समस्या है सुबह 5 बजे तो बता दीजिएगा, हम टाइम बदल देंगे। हाँ, और हाँ, ये क्लास आपकी PVR स्टडी 3.0 चैनल पे चलेगी, याद रखना। आज 6 तारीख हो गया ना, 10 तारीख से आपकी क्लास PVR स्टडी 3.0 चैनल पे चलेगी, अभी नोट कर लो, PVR स्टडी 3.0, क्योंकि आपका अपना चैनल है बोर्ड के लिए स्पेशल, ठीक है। तो इसे समझ लेना, अभी फिर ना कहना कि मुझे नहीं बताया था, भले टाइम लग जाए क्वेश्चन में लेकिन समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया, मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ n था 1 रख दिया, इस तरह से इसको हल किया तो 7 आया, A1 का मान 7 आया, ऐसे इसमें भी किया तो A2 आया, A3 आया। अब आप लिखो नीचे, आगे लिखो, अतः श्रेणी, एक समांतर श्रेणी बन गई ना, ये 7 आ गया, 11 आ गया, 15 आ गया, कितना लिख लिए हो ना, इतना लिखने के बाद नीचे लिखो, नीचे लिखो, अतः समांतर श्रेणी सात ग्यारह पंद्रह डॉट 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 बन गई है ना, बनी कि नहीं, अभी A1 का मान आया था, फिर A2 का आया था, फिर A3 का आया था, बन गई ना समांतर श्रेणी। आप इसे लिख लो ऐसे। अब यहां समझो, अगर भैया ये श्रेणी है बाबू, तो इसमें क्या है, A का मान दिया है, कितना दिया है, 7 दिया है, बोलो प्रथम पद दिया है 7 की नहीं दिया है, दिया है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें हम तुमसे D का मान पूछें तो कोई बताएगा, डी का मान बता लोगे ना भाई, दूसरा पद से पहला पद घटा लो, आपको पता है ये A2 माइनस A1 करते हैं तो A2 कितना है, समझ लो यहाँ से, A2 मतलब दूसरा पद 11, A1 7 बराबर कितना आया 4। इसी तरह से एक और भी निकाल लो, हो सकता है कि ना सही हो, तो A3 15 माइनस 11 बराबर 4, यानी हर स्थिति में 4 आ रहा है ना, यानी जो डी का मान है वो 4 है, क्या है 4 है, लिख लीजिए फटाफट, अगर आवाज नहीं आएगी तो बता देना कि हाँ मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, ऐसे कहाँ बक के जा रहे हो, ठीक है, बता देना नहीं आएगी तो। तो एक डी का मान 4 आया, इसको हम थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे, इतना फैला के नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट इसको परीक्षा में डी का मान 4 लिखना, यहाँ पे तुम्हें ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा जो मैंने बताया, ये तो मैं बहुत
टीटीएल में बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। तो यन का मान कितना है, कह रहा था प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो बाबू क्या हो जाएगा, ये यन का मान 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। अब क्या करना है, ध्यान देना, अब योग वाला सूत्र लगाना है छोटा सा और हल कर लेना है, योग वाला सूत्र लगाना है हल कर लेना है। इतना दिख रहा है तो लिख लो, इतना लिख लो फटाफट, हो गया। तो मैं साइड में थोड़ा सा मिटाऊंगा और इधर साइड में हल कर दूंगा, इधर जगह है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। चलो यहां से अब हम इसे हल करेंगे, समझना, इधर साइड में। अब आप सूत्र लिखो जो बड़ा वाला योग वाला होता है, अतः यस एन बराबर, यही तो सूत्र होता है ना, यस एन बराबर क्या होता है भाई, हमारे में जगह थोड़ा कम पड़ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, मैं इसे इधर ही करूंगा। मोहम्मद मुस्कर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अवधेश जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग अगर इसको लिख नहीं पाए थे तो वीडियो को थोड़ा बैक करके लिख लीजिए, कि यहाँ जगह की कमी है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा उधर करने से, थोड़ा सा वीडियो बैक करके लिख लीजिए बाबू, अगर आप नहीं लिखे थे तो, ठीक है। टाइम है क्लास का 5:00 बजे, याद रखना 5:00 बजे क्लास का टाइम है। तो अब हम यहाँ पे योग लिखेंगे, आता यस एन बराबर एन अपान टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपके समांतर श्रेणी के योगफल वाला सूत्र है, कौन सा है, योगफल वाला सूत्र है बाबू, ठीक है। रामजी पाल भाई, रामजी पढ़ाई कर लो चचा, पढ़ाई कर लो, एन की जगह पे 15 रख दोगे, हर जगह जहां जहां एन है वहां 15 रख दोगे, तो ये ऐसे हो जाएगा 2×15 धन ये 15 - 1 इंटू डी, डी का मान 4 आया था, सारे मान रख दीजिए, आपको हल करके एक सलूशन मिल जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बोलो। ए का मान कितना आया था भैया, सॉरी ए का मान 7 आया था बाबू, ए का मान 15 नहीं आया था, 7 आया था, तो ये आपका 15/2, ध्यान रहे ये 14 हो जाएगा, धन 15 से 1 घटाओगे 14 आएगा, 14 का 4 में गुणा करोगे कितना आएगा, 56 आएगा ना, तो ये कितना आएगा भैया, 14×4=56, इन सबको जोड़ लो, 6×4=10, 5×1=6=7, लगभग 70 आएगा मुझे लग रहा है, 70 आएगा ना। अब हम इधर साइड में हल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ रही है, ध्यान देना यहाँ के बाद हम यहाँ चल रहे हैं। तो भैया ये यस एन बराबर हो जाएगा बाबू आपका 15/2 थोड़ा ये 70, ये दोनों जुड़ेगा तो 70 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा भैया, सिंपलीफिकेशन कर लोगे ना, ये आपका 15×35 आएगा, 15×35 मल्टीपल करना आता है, आप लोग पढ़े लिखे हो तो गुणा कर लो भाई, यस एन बराबर 15×5=75, हासिल आया 7, 15×5=75, हासिल आया 7, 15×3=45=52, तो कितना आ गया 525, ये आपका आंसर हो गया 525, यही योगफल निकालना था। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी गणित, क्लास 10th का एनसीईआरटी गणित पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 5.3 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 था। जो भी बच्चे समांतर श्रेणी की किताब लिए हैं, मतलब गणित की किताब लिए हैं, उनमें समांतर श्रेणी ओपन कर लें और उसमें क्वेश्चन नंबर 10वां देखें, एक्सरसाइज 5.3। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो आपका क्वेश्चन सेम टू सेम मैच कर रहा होगा, क्योंकि हम ये मुख्य एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। और एक बात ध्यान रखना बच्चा, किसी भी बोर्ड से हो आप, कोई भी प्रकाशन की किताब लिए हो, उसमें लिखा होता है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित, मतलब सारी किताबें एनसीईआरटी पर ही होती हैं, चचा जो है ना वो एनसीईआरटी वाले ही हैं, बाकी सब उनके बेटवा हैं, जो आप लिए होगे वो मनोहर्रे के लिए होगे, नूतन वगैरह लिए होगे, बालाजी लिए होगे, या मतलब कोई भी लिए होगे, जितनी प्राइवेट बुकें हैं और भी बहुत सारी,
तो याद रखना एनसीईआरटी मेन है, हम एनसीईआरटी मेन पढ़ाते हैं, उसमें से अगर आप देखोगे तो आपका कल्याण होने वाला है। सुमंत कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुमंत जी। तो अब ये 10 नंबर क्वेश्चन हो गया, आप लोग मुझे ये बताओ 11 नंबर कर लोगे कि बताना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 11 कर लोगे कि बताना पड़ेगा। देखो जो बचवा तो टाइम से जुड़ा था उसे तो समझ में आया होगा, और जो क्लास में देर में जुड़ा उसे समझ में थोड़ा कम आया होगा, इसलिए क्लास में टाइम पे आया करो, जब क्वेश्चन शुरू हो तब आपको रहना जरूरी है, बीच में आओगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ तो सुबह 5 बजे से लाइव आ सकते हो सभी ना, अगर कोई समस्या है तो बता दो कि हाँ गुरुजी हम सुबह 5 बजे नहीं आ पाएंगे, बंद करो ये सब कहानी, आ जाओगे ना। चलो अच्छा छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़ा सा और बता दें आपको, हमारी कोशिश है कि आपको आए जितना हम पढ़ाएं, बाकी पहली बैच में मैंने 10 चैप्टर पढ़ा दिया है, आप देखो तो अभी अभी पहली बैच में कुछ दिन पहले मैंने उसे रोका है, 10 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, इसमें तो 5वां चल रहा है। आप चाहो तो PVR स्टडी 3.0 चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है, इसमें 10 चैप्टर पढ़ाया गया है, प्लेलिस्ट बनी है, PVR स्टडी 3.0 ये चैनल है क्या बेटा, इस पे पढ़ाया गया, प्लेलिस्ट है जाके देख लो। सनी यादव गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सनी, बस लेकिन बस करो ना, इतना ज़्यादा गुड मॉर्निंग भी ना करो कि यहाँ कोई दूसरे का कमेंट ना आए, ठंडा ना कर दो एकदम से, नहीं तुम्हें हम 5 मिनट के लिए आराम पे भेज देंगे, ठीक है मिस्टर सनी, 5 मिनट के लिए आराम कर लो बेटा तुम। चलो तो अच्छा कुछ और भी इसमें से हम आपको करवा देते हैं, फिर से ध्यान देना आप लोग मुझे बताना, अब 11 नंबर उसके आगे का क्वेश्चन भी करवाएंगे लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पहले इसको कर लो। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n-वां पद an बराबर 3+2n से दिया जाता है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ठीक है, इसी पर आधारित है, ध्यान से सुन लीजिए, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, NCERT का उदाहरण है ये बेटा, NCERT का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप देखोगे तो उदाहरण वगैरह भी दे दिए जाते हैं, एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं परीक्षा में, जो आपकी किताब में एग्जाम्पल दिया जिसे तुम कभी देखते नहीं हो ना, कहते छोड़ो इसको ये तो हल करके दिया है, वो आपके पेपर में आ जाता है। AK जी गुड मॉर्निंग, अवधेश निषाद जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड वाला मॉर्निंग, अब चुप्पे पढ़ लो। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, पेज नंबर 123 है, जो NCERT किताब लिया है पेज नंबर 123, कह रहा कि संख्याओं ओनली फॉर स्टडी पर रहिएगा, अच्छा सुनिए, कह रहा कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं के उस सूची का प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए, का n-वां पद an बराबर 3+2n से दिया जाता है, n-वां पद 3+2n से दिया जाता है, थोड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन की अलग है, तुम्हें कम समझ में आया होगा, इसका मतलब है कि जो n-वां पद है वो 3+2n के माध्यम से निकाला जाएगा कुल मिला के। चलो समझो, आप यहाँ पे लिखो हल, हल में लिखो, देखो चूंकि ये दिया है, क्या दिया है, an बराबर 3+2n दिया है ना, तो इसमें से क्या करेंगे हम, पहले एक AP निकालेंगे, एक समांतर श्रेणी निकालेंगे, और अगर आप ये देखो तो जो श्रेणी अभी अभी इसमें आई थी ना, वही श्रेणी इसमें भी आएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होगा, थोड़ा सा अंतर होगा, आप देखो फटाफट, चलो लिखो, इसलिए अब हम श्रेणी प्राप्त करेंगे, a1 n की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 into 1 यानी a1 5 आएगा,
ए टू 3 + 2 × ध्यान देना, एन की जगह पे 2 रख रहे हैं बच्चा, तो 2 का 2 में गुणा करोगे तो ये 4 हो जाएगा। फिलहाल अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, अभी मैं एन की जगह पे 2 रखूंगा तो ये कितना जाएगा 2। अब ये 3 और ये गुणा करोगे तो 4, यानी ये 7 हो जाएगा। किसी को नहीं समझ में आएगा तो बता देना। इसी तरह से ए 3 करोगे तो 2 × 3, 6 × 3 = 9। इसी तरह से बेटा ए 4 भी निकाल लोगे, 2 × 4 = 8, 3 = 11। अब मैं इसको नहीं बताया, बाकी आप जान गए कैसे करना है ना, आप सबको पता है ना कैसे श्रेणी बन गई ना। ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन फिर से सुन लो बच्चा। एनसीईआरटी का उदाहरण है ये, पेज नंबर आपका 123 पे दिया है, उदाहरण नंबर है 15। बोर्ड परीक्षाओं में एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं अक्सर, देखो पूछ लिए जाते हैं बच्चे, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं देते, कहते हैं ये तो उदाहरण में दिया। सुन लो फिर से, क्वेश्चन क्या कह रहा था? कह रहा था कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका यनवा पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। ठीक है, यनवा पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है, याद रखना, बात पक्की। चलो तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें ये दिया है, अब हम हल पे आ गए, सोलूशन पे, क्योंकि n इक्वल दिया है n, यहाँ से हम एक ए पी निकालेंगे, मतलब वो श्रेणी निकालेंगे जिसके प्रथम पदों का योग पूछ रहा है। भाई बिना श्रेणी के हम क्या करेंगे, मुंह पीटेंगे का, पहले वो श्रेणी ढूंढेंगे ना कहाँ है। तो हम n के अलग अलग मान रख के एक श्रेणी निकालेंगे, पहले n का मान 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4, ऐसे। तो हमने देखा n का मान 1 रखने पर 5 आया, 2 रखने पर 7 आया, 3 रखने पर 9 आया, 4 रखने पर 11 आया। अब आप लिख सकते हो, नीचे लिखो, इस प्रकार यहाँ आगे हल कर लीजिए आधा, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं की श्रेणी, जो हिंदी बोल रहा हूँ लिख लो, मैं लिखूंगा नहीं, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं की श्रेणी बराबर 5, 7, 9, 11। अब हम चाहे जितने पद लिख डालें, क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया 2-2 का अंतर है ना, तो फिलहाल हम बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, इतने बड़े भी फ्री नहीं है, इतना लिख दो बस। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त श्रेणी बराबर, ये मतलब जो मैंने बोला था, इस प्रकार प्राप्त श्रेणी बराबर इतना लिखना है। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, इनके सारे जो मान है, जो इनकी विशेष नीड है, उसको लिख लो भैया। अगर ये श्रेणी है बाबू, तो ए का मान क्या होगा बोलो, अच्छा डी का मान क्या होगा बोलो, एन का मान क्या होगा बोलो, काहे शर्मा रहे हो। देखो अगर ये श्रेणी है तो जहां से ये शुरू है वो प्रथम पद है, प्रथम पद का मतलब ए है, तो ये 5 है। इनका कॉमन डिफरेंस यानी डी अगर देखेंगे तो 2 है, कैसे 2 आएगा वो मैं बताऊंगा, सबर करो। एन का मान 24 आएगा, क्योंकि 24 पदों का योग निकालने को बोल रहा था, क्यों भैया, यही ना। तो चचा जब सारे औजार तैयार हैं तो फिर लड़ाई करने में क्या दिक्कत है, हाँ सब कुछ जब मिल गया तो आप योग नहीं निकाल लोगे, अब तो निकाल लोगे ना, समझो थोड़ा सा। ये डी कैसे आता है, देखो इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, मैं पहले अगर शुरू में पढ़े हो तो मैं सब बताया हूँ। दूसरे पद से पहला पद घटाओ, तीसरे पद से दूसरे का घटाओ, चौथे पद से तीसरे का घटाओ, मतलब अपने से नीचे वाले को घटाओ उसमें से बस। आप देख रहे होगे सब में 2-2 का अंतर है, और इसी को कॉमन डिफरेंस डी बोला जाता है। जुमा समझ में आ रहा है, पूरा आ रहा है अच्छे से, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अभी तक क्या देख रहे थे, हमको देख रहे थे, क्वेश्चन देख रहे थे। अगर नहीं लिखे हो तो थोड़ा वीडियो बैक करके इसे देख लेना, फिर से दिख जाएगा, ये कहीं जाएगा नहीं।
जो बच्चा नहीं लिख पाया था इसे वीडियो थोड़ा पीछे करके वो देख सकता है। क्लियर ना? चलिए अब आप इसका योगफल निकालोगे, लिखोगे आता यस एन इक्वल एन अपान टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें सारे मान रख दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए सारे मान यहाँ पे निकाले हैं, तो भैया एन का मान 24 आया बाबू, तो ये आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा इक्वल एन की जगह पे हर जगह 24 हो जाएगा, तो 2 इंटू ए ए की जगह पे 5 प्लस एन एन की जगह पे 24 और डी का मान 2। सारी कहानी पूरा इसी में हो जाएगी, तो ये आपका 12 आएगा क्योंकि 2 से भाग करोगे 24 में तो 12 आएगा। अब तुम छोटका बच्चा तो हो नहीं नन्हा भर का कि तुमको ये भी बताएं कैसे आया। हाँ, 5 × 10 प्लस 24 में से एक घटाओगे 23 आएगा, और 23 का जब 2 में गुणा करोगे बच्चा तो 46 आएगा। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा ना तो आप PBR स्टडी ऐप में जीरो लेवल वाली गणित पढ़ो, पहले पहले जीरो लेवल वाली पढ़ो तो तुम्हें आने लगेगा। या जीरो लेवल देख लो, अगर नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, आएगा। तो इसका मान कितना आएगा, ये इतना मल्टीपल कर लो आ जाएगा 12×72 हासिल आया 7 और 12×5 60 67 67, ये आंसर आ गया भैया 672। यानी जो यस 24 आया कितना आया 672। बात समझ में आई ना? अगर कोई प्रकार का डाउट है तो बताइए, बिल्कुल टेंशन ना करिए, बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रश्न आप लोग कर लेंगे। मनोज यादव तुम भी उठ गए, काहे को उठ गए, थोड़ा और सो लो, और सो लो, अभी बड़ी रात। कमाल है, मतलब क्लास बंद होने वाली है तो सब गुड मॉर्निंग कर रहे हैं अभी। स्क्रीनशॉट ले लो इसको जल्दी से। देखिए मैं पूरा टाइम देता हूँ, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे क्वेश्चन का वो कर सकते हैं, ठीक है? तो आज आपने इस तरह के क्वेश्चन का सारा सलूशन उसका निचोड़ देख लिया, जिसमें श्रेणी भी ना दी गई हो और योगफल पूछा गया हो उसे आप कर लेंगे। अब भले इसमें मैंने 40 मिनट में 3 क्वेश्चन करवाया, 2 क्वेश्चन करवाया, लेकिन घुस दिया दिमाग में, दिमाग में ना लॉक कर दिया, निकलेगा नहीं जो पढ़ने वाला था। और जो ऐसे मजे लेने आया है उसके तो ब्रह्मा मालिक है, भगवान मालिक है, मुझे नहीं पता, ईश्वर अल्लाह जाने। सनी मिश्रा को गुड़ा नहीं समझ में आया, ए चाचा यहाँ आवा। देखा, अब तुमको जब ये चीज नहीं आता तो मैं इसके लिए क्या करूं, तुम्हें कोई कैप्सूल खिलाऊं? बताओ, मल्टीपल करना नहीं जानते हो? 12 का पहाड़ा जानते हो कि नहीं? पहले तो पहाड़ा याद कर लो, 12×72 हासिल आया 7, 12×5 60 7 67। अब तुमको गुणा करना नहीं आता ना बच्चा, तो बेसिक मैथ देखो ना, बताया तो। अगर तुम्हें गुणा करना नहीं आता तो बेसिक मैथ देखो ना, पहले जीरो लेवल से सीखो। और अगर टेबल नहीं आता है तो यूट्यूब पे सर्च करो टेबल ट्रिक PBR स्टडी। क्या सर्च करोगे? टेबल ट्रिक PBR स्टडी। और जैसे सर्च करोगे वैसे तुम्हें एक जादू वाली वीडियो मिल जाएगी, और इस वीडियो में टेबल ट्रिक सिखाने की जादू दिखाई गई है कि कैसे आप टेबल ट्रिक मतलब टेबल याद कर लोगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी की क्लास शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय क्लास 10th का मैथ सुबह 5 बजे से चल रहा है, तो बच्चों आप लोग सभी जुड़ गए हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए जो जो जुड़ गया है, फटाफट कमेंट करिए, मैं सभी का कमेंट्स देख रहा हूँ। एक मिनट मैं इसमें वीडियो चला लेता हूँ, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलिए चलिए फटाफट कमेंट करते रहिए, मैं भी वीडियो देख रहा हूँ। पंकज जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नाभ्या, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनीष MD नाबेद, गुड मॉर्निंग प्रिया सिंह, गुड मॉर्निंग पंकज, गुड मॉर्निंग
कनक लता जी गुड मॉर्निंग, प्रियंका सरोज, और कौन है भाई अभी अभी जुड़े हैं, ललित कुमार, वीरेंद्र, नीतीश जी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों सभी का नाम लेना संभव नहीं है, माफ़ी चाहते हैं। चलिए हम आपके टॉपिक पे और क्लास में चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, क्लास टेंथ का मैथ में एक्सरसाइज 5.3 चल रहा है और इसमें अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आज हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखना, और अगर कोई प्रकार का डाउट है आपके मन में तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताना, हाँ आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। चलिए देखिए, समझिए, क्वेश्चन कहता है, कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान यानी कॉमन डिफरेंस 2 है, और एक चीज और भी दिया है, कह रहा है कि उसका 22वां पद जो है वो 149 है, यानी 22 पदों का जो मान तो निकालना है, इसमें दो चीजें दिया गया है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे या सॉल्व आप कुछ भी लिख सकते हो, उसके बाद लिखेंगे बच्चा दिया है, इंग्लिश मीडियम वाला लिखेगा बेटा कि गिवन, क्या क्या दिया है हमें, कॉमन डिफरेंस दिया है और 22वां पद दिया है, यानी कहने का मतलब हमें ये A22 ऐसे कुछ दिया है का, दिया है ना, 149 दिया है, 149 दिया है। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो बेटा An की जगह पे ये दिया ना, N की जगह पे ना, यानी N का मान क्या दिया है, 22 दिया है, N का मान क्या दिया है, 22 दिया है। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, कि 22वां पद इतना है, 22 पदों का योग निकालना है, इसमें A तो नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम A निकालेंगे, बिना A के कुछ नहीं होने वाला है, प्रथम पद होता ना ये। चलिए देखिए, समझिए, पूरा समझते चलना, कोई प्रकार का टेंशन मत लेना, ठीक है। ये हम लोग सूत्र लगाएंगे, सूत्र आप सभी जानते हो, An बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला हर कोई जानता है। तो चलो यहाँ पे मान रख देंगे, देखो बेटा An, N की जगह पे हमें 22 दिया है तो हम 22 रख दिए, और A का हमें मान नहीं पता है, N की जगह पे 22 माइनस 1 इंटू D, D का मान 7, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए A22 का मान 149 दिया है, जो कि पहले से आप सबको पता है, इसमें से घटाओगे तो 21 आएगा, 7 का मल्टीपल करोगे जब 21 में, तो देखो बेटा इनका गुणा करना तुम्हें पता है, 7 × 7, 7 × 2 = 14, 147 आएगा, यानी 137 ना। यहाँ से जब A का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये ऐसा लिख सकते हैं हम, 149 माइनस 147 इक्वल A, क्योंकि ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 2 इक्वल A, या A इक्वल 2 बोलो, बात दोनों एक है, यानी जो यहाँ से A का मान आ गया, प्रथम पद कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आ रहा भाई, राम बाबू, पूनम, एकता चौहान, आ रहा समझ में, और कौन, बबीता, अच्छा कैसे आ गया। देखो भाई, बबीता ये पूछ रही कि यहाँ पे जो यन है उसका मान 22 कैसे आ गया। देखो यहाँ से समझो, कह रहा है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि इसे निकालना है, मैं डी का मान दिया है और कह रहा है 22वां पद 142, 22वां पद, यहाँ यन क्या होता है, यन जो है वो पदों की संख्या होती है, जैसे चौथा पद मतलब A4, हाँ 8वां पद मतलब वो पद नहीं है, वहाँ पद, जैसे मान लो थोड़ा सा एक सेकंड समझ लो, जैसे बेटा ये एक श्रेणी है, समझना, जैसे यहाँ से समझना, ये मान लो एक श्रेणी है बन रही है, तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, बोलो है ना, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो इसमें चौथा पद कितना है, 16 है, लेकिन वो है कौन पद, ये चौथा पद है, यानी हम इसे कह सकते हैं A4 है, क्या है बच्चा, A4 है, यानी ये चौथा पद है, लेकिन चौथा पद का मान 16 दिया है, चौथा पद का मतलब ये नहीं कि 4 है, नहीं वो 4 नहीं है, वो चौथा है, तो उसी तरह से यहाँ क्या है, 22वां पद कितना 149 है, जैसे यहाँ पर चौथा पद 16 है, वैसे बच्चा यहाँ पर 22वां पद क्या 149 है, तो यन जो है वो पदों की संख्या होती है, तो यहाँ पर 22वां पद बोला था, इसलिए यन का मान क्या रखा गया, 22 रखा गया, ठीक है, आप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, चलो फटाफट हो गया, बहुत जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो,
और हाँ, कुछ लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़े जा रहे हैं, वो लोग काफी कंफ्यूज हैं। बेटा पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि आज हम कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूंगा इधर साइड से, नहीं तो इसी को मिटा देता हूँ, ज्यादा जगह है। चलो देखिए, जब हम सिर्फ कमेंट पे ध्यान देते हैं तो फिर आपका क्लास डिस्टर्ब हो जाता बेटा। ये मैंने कमेंट पे ध्यान देना बंद कर दिया, आप कमेंट करो, आपका रिप्लाई लिख के मिलेगा। इसके अलावा जब ये लाइव सेशन खत्म हो जाएगा, आप बाद में कमेंट करोगे ना, तो आपको वो सब रिस्पांस मिलेगा। संडे को हम जो लाइव करते हैं उसमें सिर्फ कमेंट पढ़ते हैं। अगर आपकी कोई बात है जो है नहीं सुनी जा रही, तो रविवार को आओ लाइव, रविवार को सिर्फ कमेंट ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं। चलिए, कह रहा था कि 22वां पद इतना दिया गया है, इसका 22 पदों का योगफल निकालना है, तो आप दूसरा वाला फार्मूला लगा दो बेटा, इसमें सब कुछ आ गया आपको। ये योगफल वाला सूत्र यही होता है, ए प्लस एल, यही होता है मेन सूत्र ना। दिख तो रहा ना सभी को? नहीं, मार्कर में थोड़ा और इंक भर देता हूँ, अगर बोलो नहीं दिख रहा है तो। चलिए आ जाएगा, तो हमें ये यस एन निकालना है। एन का मान कितना है? 22। पैसे तो दिया था ना भैया, हमारा 22 दिया था ना। और पहला पद ए का मान अभी 2 आया है, और अंतिम पद का मतलब वही जो 22वां पद है, 22वां पद 149 ना, 149 हो गया। इसको काटोगे बेटा, ये आ जाएगा आपका 11 × 159। पूरा कर लो, 11 × 11 हासिल 1, 11 × 55 56 हासिल 5, 11 × 11 11 × 5 16। यानी जो यस एन आया वो कितना आया? 1661। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से, ये आपका क्वेश्चन हो गया डन। फिर किसी को कोई डाउट तो बताओ, नहीं ना भाई इसे साइड कर लो थोड़ा सा, यार बहुत ज़्यादा अंदर में जा रहा है ये। जल्दी से लिख लीजिए, हो गया कंप्लीट, बहुत जल्दी करिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ, फटाफट आ जाओ सभी। चलिए, कोई प्रकार की अगर बात है तो आप बताइए, जरूर बताइए, उसे टेंशन मत लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो फटाफट इसे लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा था। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो बेटा, एक 8 नंबर यहाँ दिख रहा है, 9 नंबर इधर दिख रहा है, तो पहले 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 9 नंबर बाद में देखेंगे। हाँ, क्या कहता है? कह रहा है उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी उस एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। मतलब दूसरे और तीसरे पद A2 14 दिया है और A3 18 दिया है। 51 पदों का योग निकालना है, पदों की संख्या भी कितनी दी है? 51 दिया, यानी n का मान भी तुम्हें दिया है। कर लोगे कि नहीं? है ना, कितना आसान है, ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे भी बताया है, कर लोगे ना भाई? नवीन कुमार नहीं आएगा क्या? कर लोगे ना? हाँ, ये क्या इमोजी उमोजी भेज रहा है? पढ़ लो भाई चुपचाप, नहीं बहुत थप्पड़ है, थप्पड़ पड़ेगा, फालतू कमेंट ना करो कोई भी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पूजा अग्रहरी, बिल्कुल क्लास इस समय सुबह 5 बजे, हाँ सुबह 5 बजे। सुधांशु बेटा अच्छा दिख रहा है, क्वालिटी चेंज कर लो अच्छा दिखेगा। कुछ लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे होंगे, उनके नाम भी शामिल किए जाएंगे अगर वो टाइम से उत्तर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, कुछ बच्चों के कमेंट्स आपको दिखते हैं, कुछ के दिखते भी नहीं आप लोग को, है ना। चलिए फिर आगे क्या करते हैं, अब हम अगला क्वेश्चन, ये होमवर्क रहेगा एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और 17 पदों का योगफल 289 है, यानी यहाँ पर एक 7 कह रहा है और एक 17 कह रहा है, तो कह रहा है कि इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखोगे बेटा इसमें दिया है, इसमें जो जो दिया है पहले उसे लिखोगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना हल, लिखो गिवन, गिवन मतलब दिया है। कह रहा कि 7 पदों का योगफल 49 है, 7 पदों का योगफल 49 है, यानी कि बेटा जो योग है, योग बोल रहा है, अगर 7वां पद बोलता तो फिर ये 7 होता, योग की बात कर रहा है, यानी ये 7 कितना है? 49 है, और क्या 17, ये 289 है। यहाँ से अगर आपको निकालना पड़ेगा तो आप क्या क्या निकालोगे भैया? एन का मान निकाल लोगे कि नहीं? यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगा, ये कहानी यहाँ से कम समझ में आएगी, इधर साइड से ले चलना पड़ेगा। देखो समझो, यहाँ से दो इक्वेशन बनेगा, दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें दी गई हैं,
आप लोगों को बनानी पड़ेगी दो जगह। चलो देखो बनाओ। हाँ यहाँ दिख रहा है, दो जगह बन जाएगी क्या, यहाँ पे बन जाएगी कि नहीं? बन जानी चाहिए, ये लो बन गया ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जरा ध्यान देना थोड़ा सा। यस एन इक्वल, पहले मैं कैमरा थोड़ा जूम आउट करूँगा जिससे कि आपको थोड़ा और दिखे, जगह हो जाए यहाँ पर। अब देखो कैमरा मैंने जो है थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है, अब आपको थोड़ा और ज़्यादा स्पेस दिख रहा होगा। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ये लाइन खींच दूँ क्योंकि क्वेश्चन इधर अलग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको क्लियर होगा, ये लाइन मैं बाद में बनाऊँगा, पहले आप सूत्र देखो। सूत्र ये होता है एन अपान टू और टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये फार्मूला होता है आप सबको पता है, हाँ योगफल वाला। तो यहाँ पर हम पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों को देखेंगे। कह रहा है कि सबसे पहले प्रथम सात पदों का योगफल 49 है और उसके बाद फिर 17 पदों का योगफल कितना है, 289 है। तो पहली कंडीशन के लिए हम लेते हैं, ध्यान देना बहुत ही आराम से देखना प्यार से। पहली कंडीशन जब बोल रहा है कि सात पदों का योगफल क्या है, 49 है, तो ऐसी कंडीशन में हमें दिया है, क्या दिया है, यस एन सॉरी यस सेवन कितना दिया है, 49 दिया है, और भी कुछ दिया है क्या हमें? अगर यस सेवन 49 है बेटा तो यहाँ से एन बराबर क्या है, सात, ठीक है। और कुछ कह रहा है इसमें दिया है का, और तो मुझे नहीं लगता कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया है। यहाँ एक इक्वेशन बनेगा, हमें ए भी फाइंड करना है और हमें डी भी फाइंड करना है, सब फाइंड करना है। चलिए तो यहाँ पर जो दिया हम मान रख देते हैं, ध्यान देना हम सारे मान इसी में रखेंगे जो यहाँ दिया हुआ है। ये मुझे बगल बगल लिख लेना चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ये थोड़ा डिसमिस हो रहा है, हाँ मतलब अच्छा नहीं है, ऐसे जगह थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। एन बराबर 49 बेटा दिया है, ए बराबर हमें फाइंड करना है, आप सही है। हाँ अब देखो एन का वैल्यू आप रखोगे इसमें तो एन का मान सात और ये दो, ध्यान देना। अब ये टू ए चूँकि हमें ए का मान ना दिया है, सेवन माइनस वन इंटू डी, डी का मान भी हमें नहीं दिया है। फाइनल में हल करेंगे सात बटा दो और देखना ये टू ए प्लस सिक्स डी हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट कोई समस्या तो बता दो, नहीं ना। अब एक चीज़ का डाउट ये है कि यस यस सेवन देखो बेटा दिया था ना ये ऊपर, तो ये 49 दिया है तो यहाँ पे आप 49 रखोगे, ये आप 49 रखो। अब देखो ये 49 इधर ये गुणा में है ना, इसके साथ में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, भाग में का मतलब ये सात बटा दो हो जाएगा। फिर ऐसे तो इसको हल नहीं करेंगे हम, फिर इसे हम गुणा में करके पलट देंगे, समझ रहे हो। थोड़ा शॉर्टकट कर लो, कितना हल करना तुम्हें आता, 10 में पहुँचे हो, नहीं पहुँचे हो तो बताना। हाँ तो इसे हम क्या करेंगे, गुणा से फिर से हटाएंगे इसे हल करने के लिए, और इसे हम क्या कर देते हैं, भाग में कर देंगे, सॉरी भाग से हटा के गुणा में कर देंगे, तो ये पलट जाएगा बेटा, तो 2/7 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 2a प्लस 6d, ये कट जाएगा 7 × 49, ये आएगा 14 इक्वल 2a प्लस 6d, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा आपका, समीकरण नंबर एक लिख लो जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला इक्वेशन हो गया क्लियर, बहुत जल्दी लिख लो बाबू, पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे करोगे, देखो दूसरी शर्त में दिया है कि 17 पदों का योग 289 है, तो इसके लिए जो n हो जाएगा 17 हो जाएगा और बाकी बाकी का सब वही रहेगा। तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, बहुत जल्दी इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो सोल्यूशन का, डन। चलो तो ये सब ऐसे ही रहेगा, ध्यान देना इसमें क्या क्या बदलेगा, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो पूरी जिम्मेदारी समझाने की। क्या समस्या हो रही भाई, हाँ रूबिका नहीं समझ में आ रहा है? देखो क्लास में टाइम से जुड़ोगे तो आएगा, पक्का आएगा। क्लास में आप लोग टाइम से जुड़ो, लेट लपेट ना करो, लेट लपेट करोगे दिक्कत होती है। देखो इसमें 7 की जगह 17 है, इनका मान जो 49 था वो 289 है, ठीक है। एन का मान जो 7 था, कितना था एन का मान, यहाँ पे 7 था ना, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा था, 49 7 था, सॉरी एन का मान यहाँ 7 आप लोग लिख लेना, 7 7, ठीक है, क्योंकि ये 7 ही पदे की बात हो रही थी ना, सात पद की। तो पहली कंडीशन में यहाँ पे आप ए 7 मतलब यहाँ पे ऐसे लिख लेना, लेकिन अब तो 17 हो गया है, पहले ही क्वेश्चन के लिए था वो,
और ए का मान नहीं निकल नहीं पता है, यही क्वेश्चन याद रखना, पहला भी काम लगेगा इसका। अब 17 मान रख दो हर जगह जहाँ पर एन है, तो 17 बटा दो, ऊपर मेन सूत्र देखो, 2a प्लस ये 17 माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान देना, तो ये 17 बटा दो हो जाएगा, 17 बटा दो, और ये 2a प्लस ये 16d, ठीक है, यहाँ से समझ रहे हो ना। देखो बेटा, इसका मान ये 17 का दिया है, 289 दिया है, कितना दिया है, 289 दिया है, रख लीजिए, हो गया। कैलकुलेशन करना, ये इक्वेशन याद रखना, भूल ना पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम यहाँ लिख लेंगे 2a 60 इक्वल 14। चलो मैंने इसे संरक्षित कर लिया साथ में, चलो ये भी एक इक्वेशन बनाएगा, बाकी और कुछ नहीं करेगा। इस इक्वेशन से दोनों से मिला करके a और d का मान निकाल लोगे, बस वही आपका आंसर है। तो देखो बेटा, जब ये इधर आएगा, 289 है ना, इधर इसके साथ मल्टीपल में है, इधर आएगा इसके भाग में हो जाएगा। चलो मैं भागे में लिख देता हूँ, तो दूसरे तरीके से डिटेल में बता दूंगा, जैसे उधर फाल्ट किया था पहले इक्वेशन में वैसे नहीं करूँगा। तो ये आपका 2a प्लस 6d हो जाएगा, 16d हो जाएगा, सॉरी 16d, क्लियर। देखो बेटा, इसको समझ लो, ये कहानी समझ लो थोड़ा सा। अगर ये ऐसा है 289 अपान 7 अपान 2, ना आप देखो 7/2 तो भिन्न में है, ये पूरा पूरा फ्रैक्शन में है ना, लेकिन जो 289 है ये बेचारा अकेला है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी भी जोड़ी बना देते हैं। जोड़ी बनाने का मतलब कि जैसे ये 7/2 है ना, वैसे इसको भी हम भिन्न के रूप में लिख देते हैं। भिन्न के रूप का मतलब ये कि इसको हम 289/1 और इसके नीचे 7/2 करेंगे, जिससे दोनों की जोड़ी बन जाए। हाँ, उसके बाद बाहर का बाहर में गुणा कर देते हैं बच्चा, अंदर का अंदर में कर देते हैं बाबू, ठीक है, ये तरीका होता है। यानी कि 289 में आप ये 7 का मल्टीपल करोगे, लेकिन ये 7 नहीं होगा, 17 है तो 17 कर लो ये, ठीक है। तो बस समझ गए ना, यानी ये फाइनल में हो सकता है 289 गुणा 2 और ये 17, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। यहाँ से हम इसी तरह से हल कर लेंगे इसको, थोड़ा सा जगह मुझे लग रहा है कम है, तो मैं उसे इधर साइड में हल कर लूँ। हाँ, कहाँ पे हल कर लूँ, यहाँ जहाँ जगह बनाया यहाँ पे कर लूँ। चलो समझो भाई, ध्यान से, रविशंकर समझ में आ रहा है बेटा, आ रहा है ना समझ में? देखो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अंजलि, हाँ आ रहा है, ठीक है। चलो देखो, अब समझो, तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा, आप ऐसे बना सकते हो 289 × 2/17। अब मत पूछना कैसे हो गया, मैंने अभी सब बताया है। ये 2a + 16d हो जाएगा बेटा, 17 17 हम में होता है ना, अगर पढ़े हो तो तुम्हें याद है, नहीं पढ़े हो तो नहीं याद है। तो 17 दूना ये हो जाएगा 34। कैलकुलेशन आना चाहिए, अब ये मत कहना कि मुझे ये भी नहीं आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया, ये फर्स्ट बन गया है, लिख लो जल्दी से, मैं मिटाता हूँ, इन दोनों इक्वेशन का काम लगेगा, बाकी चीज़ें मिटा रहा हूँ, बहुत जल्दी से लिख लो फटाफट। हो गया नितेश, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अनुज, ठीक है, वेरी गुड। चलो बेटा, चलो चलो, अब दोनों इक्वेशन पे ध्यान देना। देखो जब मैं सामने से हट जाता हूँ कैलकुलेशन करके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तुरंत देर ना किया करो, फटाफट 2 सेकंड के अंदर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और बाद में ना प्यार से लिख लिया करो, और कापी पेन लेके बैठो। अच्छा एक बात बताओ, वैसे कौन कापी नहीं लिया है, खाली हाथ पढ़ रहा है, कापी पेन सभी लिया ना? कोई नहीं लिया तो बता दो कि मैं नहीं लिया हूँ, तो उसकी पिटाई शुरू हो जाए पटक पटक के। चलो अब लिखो ये समीकरण 1 और 2 से, 2 - समीकरण 1, समीकरण 2 से 1 घटा लो। देखो बेटा, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई साहब, चाहे तो इसको 34 को उधर लिखो, चाहे इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 2a प्लस, ये 16 है याद रखना, यहाँ पे 16 था 16, 6d = 14। देखो बेटा, दोनों को घटाएंगे तो घटाते समय सारे चिन्ह बदल जाते हैं, जहाँ पे प्लस होता माइनस हो जाता, जहाँ पे माइनस होता वहाँ प्लस हो जाता, तो ये कट जाएगा, ये घटेगा आपका 10d = ये भी घट जाएगा तो 20 आ जाएगा। तो d का मान यहाँ से 20/10 होगा भाई साहब, 2 आएगा बाबू, कितना आएगा, 2 आएगा, ये क्या आया, डिफरेंस आया d। अब यहाँ से आप क्या करोगे, जैसे समीकरण हल करते थे बचपन में, विस्थापन प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, वही करेंगे।
तो डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में डी का मान रख दो बेटा। तो समीकरण एक था 2a प्लस 6d इक्वल 14, तो 2a प्लस 6d, d का मान 2 इक्वल 14। तो देखो बेटा ये 2a बराबर हो जाएगा 14 माइनस 12, क्योंकि ये 6 दूना 12 हो जाएगा, उधर जाएगा कट जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 2/2, यानी ये कट जाएगा बराबर 1 आ जाएगा। a का मान कितना आ गया, 1 आ गया, याद रखना a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। हमें क्या निकालना था, प्रथम n पदों का योग निकालना था। अब हमें a भी मिल गया, d भी मिल गया, सब मिल गए हैं, अब हम n पदों का योग आसानी से निकाल लेंगे। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। चलो पूरा देख रहे हो तो समझ में आ रहा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, नहीं तो कुछ जो बगल बगल कैलकुलेशन होता है वो भी छाप लोगे अगर बाद में देखोगे। जल्दी करो, हो गया स्क्रीनशॉट, मिटाऊं मैं, मिटाऊं आगे बढ़ूं। अब क्या निकालना है बच्चा इसमें, अब हमें एन का मान निकालना बेटा, हाँ एन निकालना है। चलो फटाफट फटाफट बहुत जल्दी से करो, एन का मान तो वो सब तो आ गया भाई, क्या निकालना था, कह रहा था इसकी प्रथम एन पदों का योग निकालना है। ठीक, चलो अब एन पदों के योगफल का सूत्र तो तुम सबको पता है, पता है ना, एस एन बराबर जो अभी लगाए थे वैसे ही कुछ है। तो चलो लिखो एन पदों का योग बराबर, आता है एन पदों का योग बराबर, आता है एन पदों का योग बराबर, लिखो फटाफट लिखो एस एन इक्वल, भाई सूत्र तो वही है ना जो अभी सिंपल वाला, एन अपान टू टू ए प्लस, हाँ होता नहीं है ये 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें यस एन निकालना है बेटा, एन का मान हमें कहीं दिया है क्या, एन का मान नहीं दिया था कहीं भी, वो तो हम लोगों ने जुगाड़ से उस पद के माध्यम से निकाला था, बाकी एन का मान कहीं भी नहीं दिया था। a का मान कितना दिया था, 1 दिया था, तो 2 इंटू 1, ये एन हमें पता है का, d का मान दिया है ना, डी का मान कितना दिया, 2, कितना दिया था 2, हाँ चलो क्लियर। तो बेटा ये आपका हो जाएगा एन अपान टू, और ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 एन माइनस 2, 2 का गुणा होगा एन में तो 2n, और 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 होगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा बेटा, तो एन अपान टू, कोष्ठक में आपका 2n बचेगा अंदर में, ये एन 2 से 2 भी कट जाएगा, एन का एन में मल्टीपल होगा एन का स्क्वायर आएगा, यानी आप कह सकते हो यस एन का मान कितना आया, एन का स्क्वायर। मैं किसी को कोई परेशानी तो बताओ, एनी डाउट किसी को, कोई तकलीफ नहीं ना, आगे बढ़ा जाए हाँ। तो फिर बच्चा देखो अब आप लोग और आगे कर लेना, ज़्यादा बड़ी क्लास तो आप लोग देखते भी नहीं हो, तो आज का ये सेशन यहीं पे बंद किया जाए। याद रखना सुबह 6 बजे से आपका हर दिन लाइव सेशन होता है, कभी कभी बीच बीच में वीडियो भी आ जाता है, अधिकांश लाइव होता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद साथियों, क्लास को लाइक और शेयर करके जाना बाबू, प्लीज लाइक और शेयर करके जाना। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना।